जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिसमें हम अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे ही एक पवित्र साल या महीना का है जो हिंदू धर्म का है, जिसे हम कुंभ मेला के नाम से जानते हैं। और हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि इस त्यौहार का क्या कोई साइंटिफिक रिलेशन होगा, तो आज हम आपको कुंभ के साइंटिफिक रिलेशन के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोगों को पता होगा कि हम सब कुंभ का त्यौहार क्यों मनाते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं 1 मिनट से भी कम समय लेकर बताऊंगा, जो कि कुछ इस तरह है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से एक अमृत से भरा कलश निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध हुआ, जो कि उनके 12 दिन हम इंसानों के लिए 12 साल के बराबर थे। उसी युद्ध के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तब से इन 4 जगहों पर हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। और आपको शायद पता ना हो कि कुंभ का मतलब अमृत होता है। जिस समय ये 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी थी, उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अपने अनुकूल स्थान पर थे, जो कि शुभ था। और जब इसी अनुकूल स्थिति में ये तीनों हर 12 या 6 सालों में आते हैं, तो हम कुंभ मनाते हैं। इस समय जो गंगा जी का पवित्र जल अमृत के सामान्य होता है। ये तो रही इस त्यौहार के पीछे की कहानी, अब हम इसके वैज्ञानिक महत्व को जानेंगे। ये बात सबको पता है कि गंगा नदी पहाड़ियों से होकर आती है, जिसके रास्ते में न जाने कितने जंगल और उन जंगलों के जड़ी बूटियों की प्रभाव सम्मिलित हो जाता है, जिसे इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। लेकिन 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 दोस्तों, क्या आपको पता है कुंभ के समय जो प्लेनेट की पोजिशन होती है, उसका भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, जिससे पृथ्वी का एटमोसफियर और हॉली वाटर गंगा की कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर होती है। इसकी वजह से वाटर के एलिमेंट की एनर्जी बढ़ जाती है, और उसमें आम दिनों के मुकाबले इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी कई गुना अधिक होती है। ये कॉस्मिक एनर्जी हॉली वाटर के 45 किलोमीटर रेडियस में फैली होती है, और इन 45 किलोमीटर के ऑर्बिट में जो इनविजुअल बबलिंग होती है, उसका मूल कारण हाइएस्ट कॉस्मिक एनर्जी होता है, जिससे गुप्त तरीके से इंसान के मन को शांति मिलती है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उन्हें अमृतता का एहसास होता है और वो तरोताजा महसूस करते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है? यही कि कुंभ मेला सिर्फ एक त्यौहार नहीं, जिसे हम आंख मूंद कर पालन करें, बल्कि ये हिंदू धर्म की एक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और विचारशील परंपरा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना।